अरे गद्दा इधर है, यहाँ क्या बिछा रहा है सदर? ठीक से डाल ना। हाँ। इधर ही टाइम पास करेगा, जल्दी जल्दी डाल और जा ना, राह देख रहे तेरी, जा। हाँ जी। जा बाबूलाल। कभी ज्यादा खुशी मिले तो खुशियों पर भी यकीन नहीं होता ना। तुझे मुझसे मिलाया है, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। मर के ही तो मुझे रात हो आया है, तुम मेरे पास बैठी हो और तेरे संग यारा, मेरी बीवी बनकर और कोई भी नहीं हूं। तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। सॉरी सॉरी दादा, वो मेरा फोन रह गया था। हाँ विशि, तू यहां बाहर क्या कर रहा है? जा अंदर जाके सो जा, जा। हाँ Thank you.
मनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर पीछे के चौल में बाबू रहता ना वो होगा ऐसी दारू पीके तमाशा करता है तुम इग्नोर करो और वैसे भी हमें इस लम्हे को यादगार बनाना है ना आज की रात को यादगार बनाना है ना तो हम वो क्यों करें जो हर कोई करता है मतलब मतलब ये कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो कभी किसी ने ना किया हो एक उंगली पकड़ो हो गया डिसाइड हम लोग बाहर चलते हैं तुम मजाक कर रही हो मजाक नहीं कर रही हूँ सच बोल रही हूँ चलो ना बाहर चलते हैं तुम्ही ने कहा था ना कि मुंबई में लोग सोते नहीं हैं हाँ लेकिन प्लीज 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 मुझे अभी मुंबई घूमने जाना है कुछ ऐसा करना है जो कभी किसी ने ना किया हो प्लीज देखो तुम्हारी नई नई वाइफ की पहली पहली ख्वाहिश है तुम पूरी नहीं करोगे
करूंगा माजी बाई को, बस अज्जी को बता कर आता हूं। अज्जी तो सो रही है, किसी को तो बताना पड़ेगा ना। अगर किसी को बिना बताए निकल गए तो भी चल जाएगा, हम उनके उठने से पहले वापस आ जाएंगे। मैं बाइक की चाबी लेता हूं, चलो। ए बाबा विशी, मेरी आंखों की दवाई दे रहे, जलन हो रही है आंखों में विशी। विशी विशी विशी, ए विशी, विशी रे, विशी, विशी, कहाँ गए लोग? अरे देवा, पंड्या, पंड्या, पंड्या। नहीं डर का है ना? पंड्या, डर मत। वो विशी रावी नहीं दिखाई दे रहे घर में। हाँ, पप्पू। अरे? पप्पू, जल्दी आना। अरे नहीं है, मतलब घर पे ही होंगे। नहीं है, मैं ढूंढी बाबा। पप्पू जा, रानी के घर जा, जब वहाँ होगा शायद। चल मेरे साथ, पूछेंगे, चल जल्दी बोल। बाबा जी, बाबा जी, संजय इधर, रावी विशी आ गए क्या तेरे घर में? रावी विशी? हाँ। नहीं, क्या हुआ? रावी विशी नहीं मिल रहे यार, तू एक काम करना, जरा दीवा घर के घर में जाके देखना। हाँ, जा, जा। मैं देख के आता हूँ। तू संजना के घर, मैं बाद आप चिंता मत करो, यही कहीं होंगे, मिल जाएंगे। अरे कहाँ है लेकिन? बलून वाले भैया, रुको 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 ना। अच्छा भैया, मुझे ये ब्लू वाला बलून दे दो। Thank you.
रहा है। अरे बाबा बाहर विषय की बाइक भी नहीं है। कहीं रावी हमारे विषय को भगा के तो नहीं ले गई? क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि शादी के बाद उसे रियलाइज हुआ हो कि वो यहाँ इस चौल में एक छोटे से घर में नहीं रह सकती। अब आप सब लोग के सामने जाएंगे तो आप लोग उन्हें निकलने नहीं देंगे ना, तो इसलिए रात के अंधेरे में फिर क्या बोल रही हो तू? खुद की स्टोरी को सुना रही हो सबको? तूने ऐसे किया था? मेरी रावी ऐसी नहीं है, तेरी रावी की बिल्कुल बराबरी नहीं है। कहाँ गए होंगे? नाके पे देखा क्या? चाट की दुकान पे या मंदिर में? उधर बैंक के नीचे खड़े रहते हो चप्पल? आई आई तुम इधर बैठो, इधर बैठो शांति से, नहीं तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। तुम शांत रहो। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वो ए जरा एक काम कर, वो फाई गार्डन की तरफ देख के आ। जा 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 बाबा, मैं भी बाहर देख के आ। जाओ जाओ जाओ, सुनो बाइक जाओ। वो उधर भी देखना, वो बैंक के नीचे खड़ा रहता है हमेशा। अंकुश तू विशु को फोन करके पूछना कहाँ है। हाँ काकू, कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है। मानो या ना मानो, हो सकता है विशी जानबूझ के अपना फोन घर पे छोड़ गया हो ताकि ना ही उसे किसी को जवाब देना पड़े और ना ही कोई उन्हें ढूंढ पाए। वैसे अंजलि ताई, आज अगर तुमने उन्हें डांटा नहीं होता ना तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। पर सौ बात की एक बात, मैं तो कब से कह रही हूं इस सारे झमेले के पीछे ना उस रावी का ही हाथ। क्या बातें कर रही हैं आप? मेरी बहन ऐसी है नहीं। बलदेव बलदेव, तू 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 ध्यान मत दे उसकी तरफ, शांत रहे। मुझे पता है, हम सबको पता है रावी ऐसी नहीं है। ए महारानी चुप बैठेगी? हाँ प्रसंग क्या है, परिस्थिति क्या है, क्या चल रहा है, इसका कुछ भान नहीं तुझे? अरे मदद नहीं कर सकती, कम से कम टेंशन तो ना बढ़ा। पता है विषय, मुझे बचपन से ना समुंदर देखने का बड़ा शौक है। पंजाब में समुंदर नहीं होता ना, वैसे तुम्हारे मुंबई शहर की। हमारे मुंबई शहर की, हाँ हमारे मुंबई शहर की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है ये। आई विश कि हमारे घर से भी ये समुंदर दिखता। पता है ये मेरा सपना है, शायद शायद के लिए विशि के लाइफ में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तुम्हारा हर सपना पूरा कर दूंगा। वैसे इसी बात पे ना शाहरुख जी की एक लाइन याद आ गई, अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है ना? कॉइन्स दो, कॉइन्स दो, क्यों दो ना? एक और। शायद ही मुंबई का समुंदर हमारी इच्छा पूरी कर दे। चलो ना कुछ मांगते हैं। पहले तुम मांगो। ठीक है। बाबा जी विशी जो कुछ भी आपसे मांगे ना उसे पूरा कर देना, मैं बस यही मांगती हूँ।